ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि गोरखपुर से मैनपुरी तक हड़कंप मच गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, तो खुद ही देख लीजिए। वीडियो में मोबाइल टावर नजर आ रहा है, जिसमें गौर से देखने पर मोबाइल टावर के ऊपर एक शख्स खड़ा है जिसका नाम नौशाद बताया जा रहा है। दरअसल नौशाद, जो कि डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी से ताल्लुक रखता है, वो सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर आया था। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नौशाद आना चाहता था, सीएम योगी से मिलकर अपनी गुहार लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। आरोप है कि उसे सीएम से मिलने से रोक दिया, जिसके बाद वो सीएम से मिलने की जिद करने लगा। फिर अचानक नौशाद को पता नहीं क्या सोचा कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ी, सब घबरा गए। तत्काल पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा दल के लोग नौशाद को बचाने के लिए टावर के पास पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद शख्स को टावर से नीचे उतारा गया। नीचे उतरने पर उसने अपनी आपबीती बताई। उसके मुताबिक वो जनता दरबार में जाने के लिए शिकायती पत्र लाया था, जिसमें उसने जिक्र किया है कि वो मैनपुरी का रहने वाला है और एक मंदिर में सफाई और सेवा का काम करता है। 6 साल पहले उसने और उसकी पत्नी ने सनातन धर्म अपना लिया था, तब से उस पर झूठे केस हो रहे हैं। बेवजह उसे जेल भी जाना पड़ा। इतना ही नहीं, कावड़ यात्रा में जल भरने के बाद जब वो घर आया, तब उसे घर में घुसने तक नहीं दिया गया। बहरहाल इस शख्स के वायरल वीडियो ने गोरखपुर पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि गोरखनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास इतनी तगड़ी सुरक्षा होने के बावजूद शख्स मोबाइल टावर पर कैसे चढ़ गया, क्यों किसी अधिकारी की नजर उस पर नहीं पड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।